तो हेलो गाइस, फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। ये मेरा दोस्त, नाम बताओ भाई अपना। हेलो, सम्राट हियर। हाँ, तो आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा फिर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाला है अभी 1 सितंबर। यहाँ के लोगों को फिशिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मोस्ट ऑफ द पीपल को तुम देखोगे यहाँ पे फिशिंग करते हुए। तो ये सामने देखो कितना अच्छा ओपन जिम है और उसके पीछे एक रेस्टोरेंट है। तो गाइज, फिर हम लोग ओपन जिम ट्राई करते हैं इधर पे। ये देखो कितना ओपन जिम है, ये सब पूरा ओपन जिम है यहाँ पे। ये शानदार सा रेस्टोरेंट के बीच में, पार्क के बीच में, बट यहाँ इंडियन खाना नहीं खिलाता यार, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरे को यहाँ का एक ही डिश पसंद आता है, वो भी डिश नहीं है यार, फास्ट फूड है, शवारमा रोल। तो भाई तुमको कौन सा अच्छा लगता है तू ही बता दे। मैं भी आज वही खा के आ रहा भाई। उसके अलावा यार इंडियन टेस्ट में एक पाकिस्तानी गाय है, वो बनाता है पनीर। हाँ, एक पनीनी में, पनीनी कैप्रेसी। मोस्टली मैं तो वेज खाना ही प्रीफर करता हूँ। ये देखो सामने का क्या व्यू है यार। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यूक्रेन कंट्री है, ये वुमेन डोमिनेटिंग है। इधर आपको बड़े से बड़े जगह से लेके छोटे छोटे शॉपकीपर तक आपको वुमेन काम करते हुए दिख जाएंगी। और यहाँ 66% वुमेन ही दिखेगी और 34% मेल है, मतलब कि आपका चांस है सिंगल ना रहे, गोड़ी मिल जाएगी आपको। और ये बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत ही अच्छा, ये बच्चों के लिए बेस्ट है खेलने के लिए। यहाँ समर में ज़्यादा इधर पे चलते हैं, ये लोग समर ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ये समर में ज़्यादा एंजॉय करते हैं, विंटर में वैसे भी एंजॉय कर ही नहीं सकते हैं ये लोग। यहाँ बाहर निकलने का कोई भी सुविधा नहीं रहता है। ये देखो इन लोगों को बर्फ, ये लोग कार्ड्स खेल रहे हैं। ये देखो कितना एंजॉय कर रहा है अपने पेरेंट्स के साथ। और एक गाड़ी लेके इधर पे आ चुका है एक बच्चा। और यहाँ इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बहुत ही कम है। ये देखो ये कितना अच्छा व्यू है इसका। और सब कुछ आसान होता है डालना। बंद कर देगा, कर दो। पुलिस ऑफिसर कितना जा रहा है। विथ जर्मन शेफर्ड डॉग, विथ जर्मन शेफर्ड डॉग। वही है ना, लोकेश देख लो।
हॉर्स एंड टंकी। वो दो हॉर्स जो था उसी का क्रॉसिंग है ये, और डंकी किधर पे है बे? दैट साइड। आज भाई इंग्लिश ही इंग्लिश बोलेगा पूरा इंग्लिश भाई। या देयर इज डंकी। भाई की इंग्लिश तो सलमान भाई जैसी है। टूटी फूटी? नहीं नहीं नहीं, मस्त है भाई। हम लोग को एक औसम चीज़ मिला है, तो आप लोग को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। और देखिए क्या है ये, मूवी वगैरह में आप लोगों ने बहुत देखा होगा, मूवीज में बहुत देखा होगा आप लोग। ये है यहाँ पे अपने लव ट्री। लव ट्री देखो, दिल जैसा शेप बना हुआ है ये। यहाँ पे लड़का और लड़की ताला लगाते हैं, अपने प्यार की कसमों को खाते हैं। हम लोग जैसे सिंगल सब नहीं है यहाँ पे, सबकी अपनी अपनी है सेटिंग। हम सिंगल्स सिर्फ देखने आते हैं ये सब। हम लोग देख ही रहे हैं बस, क्या ही कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। पकड़ो सम्राट भाई। अंकल को मछली मिल चुका है, खुशी की बात है। यू गॉट? हेलो प्रवीत, गॉट? या वेट, या ही गॉट द फिश? डबरे डबरे, ही इज वेरी हैप्पी। तो गाइज आप लोग के साथ एक कहानी शेयर करना है। एक हम लोग का ही क्लासमेट है, दोस्त है, वो हमेशा यूक्रेनियन गर्ल्स को अप्रोच करेगा। यदि वो बात करने के लिए मान जाए तो ठीक है, यदि वो बात करने के लिए नहीं मानी तो वो ऐसा बोलेगा, सी मस्ट बी रेसिस्ट, सो वो हमारे से बात नहीं की। और ये ट्रिक बहुत अच्छा है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ट्रिक बहुत अच्छा है दोस्तों। आप भी अपना सकते हैं। आप लोग भी अपना सकते हैं, और मतलब कि अपने आप को दिलासा देने के लिए, मेरे में कुछ कमी नहीं है, कमी सामने वाले में है कि वो मेरे से बात नहीं की बिकॉज ऑफ सी इज रेसिस्ट। तो अब हम लोग को भी यही टेक्टिक्स अपनाना पड़ेगा गाइस, क्या करें, यही बन पड़ता है हम लोग से अब। यदि हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।